तो मैं पायलट होती। अच्छा yes. बहुत शौक था, बहुत शौक था, ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, बहुत ख्वाहिश थी कि पायलट बनूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ऐसा क्यों नहीं हुआ? बस वो पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, उसके बाद फिर थिंग्स टुक अ डिफरेंट टर्न एंड बस एक ट्विस्ट ऑफ फेथ होती है ना कि हाँ, क्या नहीं, जहाँ आपने पहुँचना होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है कि कुछ जितनी भी खवातीन से पूछो वो कहती नहीं मैं डॉक्टर होती या मैं ये होती। मैं डॉक्टर कभी भी नहीं होती, मैं डॉक्टर कभी नहीं बनी, और मेरी अम्मी की ये ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। अच्छा, क्योंकि आ खान हॉस्पिटल हमारे घर के सामने है। ओके, तो वो उनकी ख्वाहिश थी जब आ खान हॉस्पिटल बना कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन अस्पतालों से, क्लिनिक से, डॉक्टर से मैं दूर रहती। सही। अच्छा शमीला, थोड़ा सा तो मैं पॉलिटिक्स पे आऊंगी, हाँ, क्योंकि जरूरी है। बिल्कुल, आप लीगल एडवाइजर थी, एकदम से क्या हुआ कि वो चीज अब आप नहीं हो? व्हाई? आमना ये हुआ कि 18th अमेंडमेंट के बाद चीफ मिनिस्टर को 5 एडवाइजर्स रखने थे, ठीक, और हम कोई तकरीबन 17 थे। सही। और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी थी, तो उसके बाद ये हुआ कि जो बाकी जो 12 थे हम, उनको डीनोटिफाई कर दिया गया और 5 को रखा गया, 1 फ्रॉम ईच पार्टी। ओके। और जाहिर बात है पीपल्स पार्टी से राशिद रब्बानी साहब को रखा गया, बिकॉज ही वाज़ द सीनियर मोस्ट इन पीपल्स पार्टी, और वो सबसे पहले एडवाइज़र बने थे फ्रॉम पीपल्स पार्टी। तो बाकी हम जितने थे पीपल्स पार्टी के, वो फिर एक फंक्शनल से हैं, एक MQM से हैं, और 2 जो हैं वो टेक्नोक्रेट्स आप समझ लें वो हैं। ठीक। वन इज इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, वन इज इन इन्वेस्टमेंट के एडवाइजर हैं। यस। अच्छा, थोड़ा सा पीपल्स पार्टी की तरफ आती हूँ कि क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि जी शर्मिला या कोई भी पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं पे भी, तो ये एक सवालात होते हैं, लोगों के बड़े सवालात होते हैं कि इतनी जो आजकल हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स आई हैं, आपके टाइम पे भी देखा आपने कि बहुत प्रॉब्लम्स थी, सब कुछ था, एजुकेशन लेवल पे भी आप देख लो, फिर महंगाई और ये चीज़ें, इन पे अब कितना काम हो चुका है? यू स्टिल देखो आमना, बात ये है कि आई विल नॉट डिनाई कि महंगाई नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बेरोजगारी नहीं है, डेफिनेटली है, एंड ओवर द ईयर्स इट हैज़ इंक्रीज। एक वजह इसकी ये भी है कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। सही। और जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है कि उस लेवल पे अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट ना हो और अगर आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल ना हो, तो ज़ाहरी बात है बहुत सारे इश्यूज चैलेंजेस सामने आते हैं। अब देखें, हमारे यहाँ इशू ये है इस वक्त ये है कि हमारे यहाँ वी आर इन अ वॉर इकोनॉमी, हम दहशतगर्दी की एक जंग लड़ रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लोकल जो है उसका फुकदान है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आ रही, सिक्योरिटी सिचुएशन है, जब तक आपकी इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी, आपका मईशत का पहिया नहीं चलेगा, आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी। इश्यूज़ ये हैं, बहुत सारा काम हुआ है, कोशिश हमने जरूर की है कि बेनिजर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आए, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लेकर आए, बिल्कुल। बट लेकिन देखिए आमना, ये भी आप सोचें कि 3 साल में या 2 साल में, इवन 5 साल में, किसी भी हुकूमत के लिए, आप पीपल्स पार्टी को भी अलग रख दें साइड, किसी भी हुकूमत के लिए दुनिया भर में ये पॉसिबल नहीं है कि हर शख्स को घर, हर शख्स को रोटी, हर शख्स को कपड़ा जो है पहुंचा दें उस मियाद में जिसका वो एक्सपेक्ट करता है। और पीपल्स पार्टी जब आती है, कोशिशें हमेशा करती है, और आप देखिए कि अगर आप शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौर को देख लें, तो आज अगर हमारा मुल्क एक न्यूक्लियर नेशन है या हमारी हैवी मैकेनिकल इंडस्ट्री लगी है, स्टील में लगी है, भुट्टो साहब के दौर में था जी। सारी चीज़ें आई हैं, बीबी साहब आई, उनकी अलग प्रोग्राम्स हैं, उनकी अलग, आप देखिए वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से फर्स्ट वुमेन बैंक बना, ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री कायम, वुमेन्स पुलिस स्टेशन बने होते हैं। आपको टाइम देना पड़ता है, एक तसलसल होती है पॉलिसीज का, 2-3 साल में आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बिजली का बहरान खत्म हो जाए। अब एक लेमैन के लिए बड़ा मुश्किल है ये समझना कि जी हुकूमत आई है तो बिजली का बहरान क्यों नहीं खत्म हो रहा, क्यों नहीं हुकूमत कुछ करे, लेकिन बिजली पैदा करना 5 से 8 साल लगता है अगर आप एक इंडिपेंडेंट पावर प्लांट लगाएं। बहुत सारे इश्यूज होते हैं, अगर आप अल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाएं, विंड एनर्जी की तरफ जाएं, थर्कोल अगर आप एक्सप्लोर करें, इट टेक्स अ लॉन्ग, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अम्मा जी कैसी हैं? सनी, बिल्कुल ठीक ठाक। सनी आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है जी। शर्मिला फारूकी साहब बैठी हुई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें कर रही है, अल्लाह पाक इनको और तरक्की दे, अल्लाह पाक इनको और इज्जत दे, इंशाल्लाह बेनजीर साहब का ख्वाब ये जरूर पूरा करेंगी। बस ये है कि थोड़ा सा दहशतगर्दी के खिलाफ जो है ना कोई होना चाहिए, गरीब लोग बेचारे मर रहे हैं, इसके खिलाफ जो है ना कोई खास तौर पे होना चाहिए, हुकूमत को इसके बारे में ना खास तौर पे सोचना चाहिए कि ये दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में तरक्की जब भी होगी जब ये दहशतगर्दी का खात्मा होगा।
तो दूसरे नंबर पे हमारे बिजली का बुरहान है। ये बिजली का बुरहान जो है ना, ये बहुत ज्यादा संगीन हो चुका है, इसको खत्म होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में जिस मुल्क में बिजली नहीं होगी वहाँ पे लोग क्या करेंगे। तो ये है की ठीक, थैंक यू, सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया सनी कॉल करने का। वही बात है कि जब कोई भी रिप्रेजेंट करता है किसी, अब बात ये कि शर्मिला आजकल आप देखो गैस का इतना प्रॉब्लम है, आप इंडस्ट्रियल हमारे जो फैसलाबाद वगैरह सब बैठ गया हुआ है बिकॉज ऑफ दिस। तो शायद ये ज़्यादा चीज़ हो गई हुई है जब से पीपल्स पार्टी आई है। देखो आमना, मैं ये नहीं कहूँगी कि जब से पीपल्स पार्टी आई है तो हम ये जो है बहरान पैदा हो गए, ये गैस फील्ड्स डिप्लीट हो रही हैं। हमने पिछले 10-12 साल में हमने गैस मिसमैनेजमेंट करी है, और हमें देखे ना, पानी एक ऐसा जखीरा है जो आप जनरेट नहीं कर सकते। आप पानी को कंजर्व तो कर सकते हैं, हाँ। ये जो आपका पानी है, लेकिन आप जनरेट तो नहीं कर सकते, जो पानी है वो है। या गैस फील्ड्स हैं वो डिप्लीट तो होंगी अगर आप उनको मिसमैनेज करेंगे और नई गैस फील्ड्स को एक्सप्लोर करने नहीं जाएंगे। देखें बलूचिस्तान में बहुत जगह ऐसी निशानदेही हुई जहाँ पर मजीद गैस फील्ड्स हैं, वहाँ पर उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अब इस पर काम शुरू हो रहा है, होपफुल। देखें लेकिन मुश्किल वक्त है डेफिनेटली, बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से, पानी के हवाले से है, और लोगों को इस वक्त जो है बड़ा सब्र और हिम्मत का मुजाहरा करना पड़ेगा। पीपल आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक जब हम बात करते हैं, ठीक है, शिकायत अपनी जगह, ये उनका हक है कि वो शिकायत करें, सही बात है। अगर 12-12 घंटे बिजली नहीं होगी तो कोई शख्स जो है, आप मुझे बताएं कि सुबह काम पे कैसे आएगा, बच्चे स्कूल में, उसकी फ्रस्ट्रेशन तो कहीं ना कहीं बढ़ेगी, बिल्कुल। एंड आई डोंट ब्लेम द पीपल जो बाहर निकल के सड़कों पर धरना देते हैं या स्ट्राइक करते हैं, टायर जलाते हैं। देखिए अपनी फ्रस्ट्रेशन आप कहीं तो निकालेंगे, कहीं तो निकालेंगे। घर में आप देखें कि अगर इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है तो आपस में तो एक दूसरे से, भाई बहन से, माँ बाप से लड़ता है, तो अपना समझते हैं तो बात करते हैं ना, समझते हैं कि जी हुकूमत कुछ करेगी तो बात करते हैं। लेकिन थोड़ा सा सब्र है, कहना मेरे लिए आसान है लेकिन मुझे पता है सब्र करना बहुत मुश्किल है। हमारे पास जब बिजली नहीं होती तो हम भी पागल हो जाते हैं, बिल्कुल पागल। एक घंटा नहीं होती तो पागल हो जाते हैं, तो जिन्होंने 12 घंटे गुजारने उसका क्या हाल होगा। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हलीमा आपका? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आज स्कूल नहीं गई आप? नहीं, आज मेरी थोड़ी सेहत नहीं ठीक थी। चलो अल्लाह मियां सही करे आपकी सेहत। मैं आपके गेस्ट को सलाम करना चाहती हूँ। अच्छा, कह दो सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपकी। वालेकुम अस्सलाम। सो क्यूट। और कुछ कहोगी? जी मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। हाँ करो। जुल्फिकार अली भुट्टो की आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान जो है ना वो फ्राहम था, और आजकल जब सदर आसिफ अली जरदारी की जब सदर बने तो अवाम को महंगाई और जो है ना बिजली का बहरान, इस इन सब डिफरेंस का सामना करना पड़ता है। वेरी गुड। अच्छा ये सवाल है, अभी वो यही बात कर रही थी, आप अब गौर से सुनो कि वो क्या कह रही है। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग हलीमा। अल्लाह मियां इनको सेहत दे, बाकी सेहत दे बेचारी। वे क्यों, देखे लोग बड़े बाशूर हैं, बच्चे आप देखें, दे सो पॉलिटिकली अवेयर। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब देखें आमना, जब वो थे इकतदार में, आप पॉपुलेशन देखिए उस वक्त क्या थी, बिल्कुल आज से 32-33 साल पहले क्या पॉपुलेशन थी। और जब भुट्टो साहब को फांसी, हम इस पे बात करेंगे जरूर, इसको आगे लेके जाएंगे, लेकिन इस वक्त न्यूज अपडेट का वक्त हुआ है, विल बी राइट बैक, डोंट गो अवे। वेलकम बैक व्यूअर्स, और मैं शर्मिला से बात कर रही थी और दोबारा वही सिलसिला हम अपना शुरू करते हैं। अच्छा शर्मिला, आप मुझे बता रही थी अब ना, देखिए शहीद भुट्टो के वक्त पे पॉपुलेशन बहुत कम थी, आज उसकी ट्रिपल हो चुकी है। सही। उस वक्त दहशतगर्दी का कोई आंसर नहीं था, हमने कभी नहीं सुने थे बॉम्ब ब्लास्ट क्या होते हैं या प्लांटेड बॉम्ब क्या होते हैं, देयर वाज नो सिक्योरिटी इश्यूज। आज के हालात और चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल। उस वक्त पाकिस्तान आप देखिए, हालांकि उस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज सकूत ढाका हुआ, लेकिन भुट्टो साहब ने एक मायूस कौम को दोबारा उसके पैरों पर खड़ा किया। चैलेंजेस मुख्तलिफ थे, आज के चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं, और इस चैलेंजेस को मीट करने के लिए देखिए, आज जो हम मुफाहमत की पॉलिसी को लेके चलें, आसिफ अली जरदारी साहब की जो पॉलिसी है उसमें आप ये देखिए कि हमारी कोशिश ये कि तमाम जो सियासी कुव्वतें हैं उनको इकट्ठा करें,
और सब मिल के इन मसाइल के हल की जानिब जाएं। किसी एक जमात के लिए या किसी एक फिरके के लिए पॉसिबल नहीं है कि ये चैलेंजेस को मीट कर सके। तो इसी वक्त हम कहते हैं कि देखें, ये जो हम अक्सर टॉक शोज में बैठ के देखते हैं कि एक दूसरे पे ब्लेम गेम हो रहा है, मैं उसी पे बस अभी आने वाली थी कि टॉक शोज एक दूसरे पे झगड़ा हो रहा होता है, इश्यूज पे बात करें, दे शुड बी इश्यू रिलेटेड। बट अनफॉर्चुनेटली बट ये भी तो है कि जो हम लोग देखते हैं, हम व्यूअर्स हैं, हम देखते हैं, टीवी देखते हैं, हमें पता चलता है, हम अखबार पढ़ते हैं कि एक टाइम आता है कि दो पार्टीज एक हो जाती हैं, फिर थोड़े दिनों बाद वो पार्टीज में कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। आमना देखो, यू टॉकिंग अबाउट कोलिशंस और इत्तेहाद, अलग अलग जमातें हैं, हमारे मंशूर अलग हैं, हम अगर इकट्ठा होते हैं तो एक वन पॉइंट एजेंडा के ऊपर होते हैं, ठीक कि हमने मिलके साथ चलना है और इश्यूज की सियासत करनी है। लेकिन आप घर में भी देखें कि भाई बहनों में इख्तलाफ राय तो होती है, फिर यू डिस्कस, यू डिबेट, डायलॉग होता है और फिर डेफिनेटली हम साथ मिल के आगे चलते हैं। तो ये होता ही होता रहेगा, ये नहीं होगा। अगर ऐसी बात हो कि आपस में किसी की कोई इख्तलाफ राय ना हो या किसी का कोई अलग अलग माइंड सेट ना हो, तो फिर तो हम सब एक जमात में जम हो जाएंगे, फिर एक कोई जमात होगी। सही। अच्छा, जब आप लीगल एडवाइज़र थी, आप चीफ एडवाइज़र थी, तो मुझे ये एक बड़ा होता था हर वक्त टारगेट करना, नैप का केस जो है उसको थोड़ा सा प्लीज़ बताएंगे कि नैप केसेस को क्यों इतना हाइप दी जा रही थी और क्यों है ये? देखिये, प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ आए हैं, प्रॉब्लम मेरे साथ भी आए, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ डर्टी पॉलिटिक्स होती है। और एक कॉल ले लेती हूँ, शमीला दिन मिल के आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आमना बहन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गुलाम भाई आप? गुलाम हुसैन भाई बोला था ना, गुलाम भाई पता नहीं जाते। अच्छा चले, गुलाम हुसैन भाई। अच्छा, जी। आज हमारी क्यूट और प्यारी बहन को आपने कहाँ से पकड़ लिया? बस इनको मैं ले आई हूँ आज। ले आई है, अब इनसे मेरी रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम के तवसल से कि ये हर महीने महीने में कम अज कम एक दफा आपके पास जरूर आएगा। अच्छा, टाइम निकालेंगी। अच्छा, अभी आप कह रही थी कि मैं इनके सियासत के बारे में बातें नहीं करूंगी, आपने वो शुरू कर दी बेचारी, थोड़ा सा करके फिर आऊंगी ना जरा सा। अच्छा अच्छा, न्यूज चैनल का थोड़ा सा मुझे वो है ना, अब थोड़ा सा तो मैं पॉलिटिकल हो जाती हूँ। अच्छा सुने सुने, इनसे हम इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, उसी का मसला हल करवाते हैं इनसे। वो जो आपने उस दिन जेल वाला प्रोग्राम किया था, सही, बिल्कुल ठीक है, वो उसकी सीडी है तो मेरी बहन को दे, ये घर जाकर तो उस प्रोग्राम को देखे। दूसरा, मेरी बहन में ये शर्मिला बहन सुन रही है और से मेरी जी मैं भाई सुन रही हूँ। आप मुझे बहुत प्यारी लगती है और बहुत अच्छी लगती है और आपने ये इशू हल करना है, ये बदला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये इन्होंने एक जेल का प्रोग्राम किया था, उसमें खवातीन बेशक उसमें थी, इसमें मेरी बहन कोई दो राय नहीं है कि जो गलती करता है ऐसा निजाम होना चाहिए कि उसको शाम से पहले पहले सजा मिल जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा निजाम मौजूद नहीं है, आपके पास जजेस मौजूद नहीं है, तो मेरी बहन ये कहाँ का इंसाफ है कि आप उनको जेल में डाल दें, छह छह महीने, साल साल, दो दो साल वो जेल में पड़े रहे और बाद में फैसला होकर वो तो देखना है। तो मेरी बहन कितना दुख लगेगा अगर आप हो या मेरी आमना बहन हो या मैं जेल में रह के आया हूँ, मुझे पता है बेगुनाही का, जेल का एक एक मिनट बड़ा दुख मतलब मुश्किल से गुजरता है। तो मेरी बहन, मैं ये रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ कि जब तक आपके पास जजेस नहीं है, एक एग्जेक्टिव आर्डर के जरिए आप यूं कह सकती हैं कि आप ऐसे करें कि जितनी खवातीन जिनको आप हवालाती बोलते हैं उर्दू में ना, जो जिनको सजा नहीं हुई होती, तो जितनी खवातीन जेल में हैं उनकी जमानत ले लें, वो मतलब जज साहब, एक जज साहब ले लें, जो भी हो, अगर आपके पास जज और नहीं है तो एक होता है ना इमरजेंसी जज भी होता है, तो वो उनकी जमानत अनाउंस कर दे और वो अपने मुचल के जमा करा के जमानत पे चली जाए। जब आपके पास टाइम होगा कि उनका फिर ट्रायल करते रहे, तो मैं ये चाहता हूँ कि उन खवातीन को बाहर निकालें, वो बहुत दुखी है मेरी बहन, मतलब अगर फर्ज करें मैं हूँ या आप हूँ तो फिर भी दुख लगता है। काफी दुख हो जाता है कि कोई ऐसा बंदा है, मेरी बहन बुलाए जिससे हम ये डिस्कस करें, ये आप करवाएं और लाजमी ऐसी खवातीन को आजाद करवाएं, क्योंकि आप भी खातून है और दुख खवातीन का खवातीन ही समझ सकती और कुछ समझ सकता। तो बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात, जेल गए थे, बहुत अच्छी बात, हमने शो किया था वहाँ, वाकई शर्मिला ऐसी खवातीन थी जिनके छोटे छोटे बच्चे वहाँ रह रहे हैं उनके साथ, और उनका कोई भी नहीं, किसी ने मर्डर किया है, भाई ने मर्डर किया है तो FIR में उनका नाम है, तो उनको अंदर किया हुआ है। तो इस पे प्लीज थोड़ा सा आप आमना, बहुत अच्छी बात करी भाई ने। मेरा बस रहे तो मैं सारे जेल खोल दूं, लोगों को वैसे ही रिहा कर दूं, लेकिन देखें इसमें जो बहुत अच्छी चीज़ इस वक्त आसिफ अली जरदारी